नमस्कार दोस्तों, संविधान में सर्वशक्ति जनता है और जनता जब अपने वोट के माध्यम से चोट करती है तो जो बड़े बड़े शहंशाहों या फिर राज्य सरकारों, शासकों, प्रशासकों को है जो है अपना रवैया बदलना पड़ता है और काम करना पड़ता है। इन लोकसभा इलेक्शन में राजस्थान ने भी बीजेपी को बहुत भयंकर चोट दी है, तो उसी को लेकर अब योगी आदित्यनाथ के साथ भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, भी बड़े एक्टिव नज़र आए। वो दिल्ली से लौटते ही सीधे इन्होंने कार्मिकों की बैठक की, जो भर्तियों के संदर्भ में की है, और निर्देश दिया कि जल्द से जल्द भर्तियां पूरी हो और पिछली सरकार की भर्तियों की जांच हो, ये बात इन्होंने कही है। तो अब नई भर्तियों की आने की पूरी संभावनाएं हैं। देखिएगा, सीएमओ राजस्थान से मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राजस्थान भर्ती परीक्षा के संबंध में समीक्षा की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न भर्तियों की वर्तमान प्रगति एवं उपलब्धियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए, यानी कि भर्तियाँ आने वाली हैं। कौन कौन सी भर्तियाँ आएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिन भर्तियों की मांग है वो भर्तियाँ आनी चाहिए। तो मेरी तरफ से भर्तियाँ देखी के खूब सारी हैं। जो देखो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट तो है ही है, उसके साथ पटवारी की भर्ती हैं, ग्राम सेवक की भर्तियाँ हैं, ठीक है, और कंप्यूटर अनुदेशक की भर्तियाँ हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से भी भर्तियाँ हैं, एग्रीकल्चर की भर्तियाँ हैं। देखते हैं मुख्यमंत्री जी कौन कौन सी भर्तियाँ देते हैं और समय पर दें तो अच्छा है, क्योंकि एक बात तो इन इलेक्शन से साबित हो चुकी हैं कि राजस्थान हो चाहे और प्रदेश या देश हो, आपको काम करना पड़ेगा। धर्म मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते, ना ही जनता वोट इनके नाम पर देगी, क्योंकि उन्हें काम चाहिए, रोज़गार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी भर्ती आने वाली है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा। नमस्कार।